तो किसी विक्टिम का अगर आईपी पता करना है, ठीक है, किसी विक्टिम का आईपी पता करना है, जिसका मतलब समझ लो कि जैसे लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था कि अगर मतलब स्कैनिंग पार्ट में सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों को आईपी पता करना होता है, सबसे पहला काम। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है कि आईपी एड्रेस पता कर लें हम लोग, और ऑन बिहाफ बाकी बाकी जो डिटेल्स है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम बाकी डिटेल्स हम लोग जो मतलब स्कैनिंग करके फुट प्रिंटिंग करके जो भी हो उसको हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। तो जैसे कोई वेब सर्वर हो या तो जो भी साइट हो जो कि ऑनलाइन साइट है जिसका एक अपना क्या होता है वेब एड्रेस होता है, तो उसका तो आईपी एड्रेस पता करना आसानी होता है, ठीक है। जैसे सिंपली तुम उसमें पिंग करो तो उसका आईपी एड्रेस पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन समझ लो कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल का ही बोल रहा हूँ, तो ऐसे में जस्ट मुझे आईपी एड्रेस पता करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे पिंग एंड जिसका भी मुझे आईपी पता करना है, जो भी साइट का मुझे आईपी पता करना है उसका यूआरएल टाइप कर दूंगा। जैसे मैंने दिया यहाँ पे www.google.co.in, एंटर। तो इससे क्या हो रहा है, देखो मुझे उसका आईपी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका फिलहाल ये जो आईपी शो हो रहा है ये IPv6 शो हो रहा है, जो भी हो। तो मुझे इस तरह से आईपी पता चलता है, लेकिन यह बात अलग है, तुम ये गूगल सर्वर का आईपी तुमको मिल गया तो ऐसा बात नहीं है कि तुम उसमें कुछ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब तुम लोग किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर किसी भी के ऊपर अप्लाई मत करना, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज़ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग आईपी पता कर सकते हैं किसी भी इस तरह का ऑनलाइन साइट का। लेकिन ये तुमको आईपी यहाँ पे मिल रहा है, ये आईपी यहाँ पे फिलहाल फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये मतलब चेंजेबल है, चेंज हो सकता है ये। हाँ, पब्लिक आईपी है ये, ठीक है। अच्छा, अभी गूगल का बात छोड़ते हैं, अभी हम लोग जो भी करेंगे अपना खुद का सिस्टम है ऊपर ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपना लैब में ही इम्प्लीमेंट करके समझेंगे हम लोग चीज़ों को। समझ लो अभी जैसे मुझे अपना किसी फ्रेंड या तो मेरे जो भी मैंने जिसको एज ए विक्टिम मैंने ले लिया, ठीक है, या तो फ्रेंड या तो जिसको भी मैंने समझा मैंने मैं, मतलब मुझे जिसके पीसी का मुझे आईपी एड्रेस पता करना हो उस, तो उस तक मुझे मतलब एज्यूम कर लो कि मेरा फ्रेंड, तो मेरा मुझे अपना फ्रेंड का पीसी का आईपी एड्रेस पता करना है, ठीक है। तो कैसे करूँ, उपाय क्या है, तरीका क्या है यहाँ पे? तो तरीका यह है कि तो तरीका यह है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको एक लिंक सेंड कर देंगे, चाहे एसएमएस के थ्रू सेंड करो चाहे ईमेल के थ्रू सेंड करो, ओके। और जब ही वो अपना लिंक ओपन करेगा तो ओपन करते ही हमको उसका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा कि अभी और एक बात है, तुम्हारा फ्रेंड या तो जो भी हो जिसको तुम लिंक सेंड करोगे वो लिंक ओपन कैसे क्यों करे, तो उसके लिए तुमको उसको कन्विंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या तो कुछ इस तरह का तुम उस तरह का कन्विंस कराओ कि तो वो लिंक को खोले या तो ईमेल को खोले उस लिंक को ओपन कर दे, या तो एसएमएस में ओपन करके एसएमएस में थ्रू सेंड कर दो और वो अपना उस लिंक को ओपन कर ले। तो नॉर्मली कैसे होता है, देखो समझ लो कि तुमने तुम्हारा अपना जो फ्रेंड है अभी जो वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इस तरह की एक्टिविटी तुम कर सकते हो, जो अपना कॉलेज तुम्हारा फ्रेंड है अपना कॉलेज में पढ़ रहा है, सेम फ्रेंड है तुम्हारा, कॉलेज फ्रेंड है तुम्हारा, तो अपना कॉलेज का साइट का ही एक लिंक बना दो, समझ लो फेक लिंक है, ठीक है। या तो हो सकता है तरीका है अलग अलग, एक लिंक पठा दो, एक लिंक सेंड कर दो, तो और उसमें तुम ये दे देना कि कॉलेज से कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशंस आया है, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आया है तो इसको खोल के देखो अभी, इस तरह से तुम उसको मैसेज में सेंड कर देना। तो एक बार तो वो लिंक को खोलेगा ना कि कॉलेज का नोटिफिकेशन आया है कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, तो वो क्या करेगा, लिंक को खोलेगा, खोल के तो एक बार बस लिंक जब खोल दिया तो बाकी तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका आईपी एड्रेस किसी को मिल गया है, ठीक है। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ एक तरीका होता है ये तरीका। तो यहाँ पे हम लोग तो पहले ये सीखेंगे लिंक को कैसे बनाया जाता है, लिंक को सेंड करना तो हो जाएगा लेकिन अभी पहले लिंक को कैसे बनाना है, तो उसके लिए कुछ साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स भी है, ठीक है, बहुत सारा ऑनलाइन साइट है। उसमें से मैं जो यूज़ करूँगा अभी फिलहाल यहाँ पे जो ऑनलाइन साइट में यूज़ करूँगा वो हो गया आईपी लॉगर, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आईपी लॉगर ये, ठीक है, आईपी लॉगर। तो आईपी लॉगर ये एक साइट है, इसमें बहुत सारा साइट है, मैं इसमें जा रहा हूँ अभी, इसको यूज कर रहा हूँ। इसमें जा कर के तुम इस तरह से एक
मतलब यूआरएल क्रिएट कर सकते हो, बोला जाए तो एक एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो तुम इसके थ्रू। लेकिन आईपी लॉकर के थ्रू अगर तुमको एक यूआरएल क्रिएट करना है, तो तुमको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कौन सा साइट के लिए तुम यूआरएल क्रिएट कर रहे हो, कौन सा साइट के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा अपना फ्रेंड को तुम अपना कॉलेज का साइट का ही लिंक दे दो, ठीक है, और बोल दो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैं समझ लो कि अभी अपना कॉलेज का, तुम अपना कॉलेज का साइट लिंक उसको दे के भेज दो, तो वो तो लिंक तो ओपन करेगा ही। तो इसीलिए पहले तुम एक साइट का एड्रेस तुम पहले निकालो, ढूंढ निकाल लेना कि कौन सा, सोच लेना कौन सा एड्रेस तुमको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक, जैसे मैं यहाँ पे एक एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ, समझ लो कि कोई भी एक कॉलेज का एड्रेस ले लो, ठीक है। या तो समझ लो मैं अभी कॉलेज का एड्रेस छोड़ो, मैं किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ लो तुम अपने फ्रेंड को सेंड कर देना, बोलना कि इसमें 50% 80% डिस्काउंट हो रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसको खोलो और इसे रजिस्टर करो। तो जैसे मैंने क्या दिया यहाँ पे, समझ लो फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट का मैंने लगा दिया फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट का साइट में जाके मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट का साइट में आ गया, और इसमें आके तुम देख लो कहाँ पे इस तरह से कुछ डिस्काउंट है क्या, ठीक है, जो भी मतलब कहाँ पे इस तरह से ऑफर आ रहा है बेहतरीन से, ये देखो 18 दिसंबर जो भी हो, सेल स्टार्ट बिग डेज, इस तरह के जो भी हो, ठीक है, तुम लोग देख लेना उसको। तो इसमें यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा यूआरएल है, ये ऑफर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरा का पूरा मैं यूआरएल को कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं जब उसको सेंड करूँगा यही लिंक मैं सेंड करूँगा उसको, ठीक है, ताकि उसको पता ना चले, उसको डाउट ना हो कि उसका किसी ने आईपी एड्रेस लिया है। वो तो जब खोलेगा सचमुच का ये आएगा ना, यही आएगा। तो चलो ये मैंने कॉपी कर लिया, अभी मैं क्या करूँगा, आईपी लॉगर में जाऊँगा, ठीक है। और आईपी लॉगर में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है, देखो, आईपी लॉगर इज ए यूआरएल शॉर्टनर विथ एडवांस एनालिटिक्स फॉर द ट्रैफिक थ्रू योर लिंक, जो भी लिखा हुआ है सब तुम लोग पढ़ लेना। प्लीज पेस्ट ए लिंक टू वेबसाइट और टू इमेज दैट यू वांट टू शॉर्टन, क्योंकि ये जो लिंक है ये तो अभी तो ये बहुत लंबा लिंक है, इसको मुझे शॉर्ट भी करना है, और सिर्फ इसका मुझे, मेरा एम शॉर्ट करना इसे नहीं है, क्योंकि आईपी लॉगर के थ्रू ही हम लोग उसका आईपी एड्रेस को पता करेंगे, क्योंकि आईपी लॉगर के थ्रू ही मुझे उसका आईपी एड्रेस अगर पता करना है, तो यहाँ पे आके उसको मुझे उसका एक शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, चलो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो है इसको मैंने शॉर्ट एंड में क्लिक कर दिया, ठीक है। और जो भी यहाँ पे ये सब आ रहा है, इसको आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एग्री करो और नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे एक शॉर्ट यूआरएल क्रिएट हो चुका है, देखो ये, ठीक है यहाँ पे। और एक बात है, अभी यहाँ पे इसी, ये जो यूआरएल है ये तुमको सेंड करना है विक्टिम तक। विक्टिम को क्या करना है, ये जो यूआरएल क्रिएट हुआ है यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल, इसको सेंड करना। लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, iplogger.org लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विक्टिम को पता चल सकता है, कहीं ना कहीं विक्टिम को पता चल सकता है कि वो कुछ मेलिशियस तुमने यहाँ पे काम कर रहे हो, या तुम कुछ इलीगल काम कर रहे हो। तो इसीलिए तुम इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन क्या है, ये जो है डोमेन नेम, इसको तुम चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट में डोमेन नेम क्या आ रहा है, iplogger.com, ये डोमेन नेम हम लोग यहाँ पे देखो, यू मे एडिट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलो सिलेक्ट डोमेन नेम दैट विल बी यूज्ड इन योर आईपी लॉगर लिंक। तो बाय डिफॉल्ट में तो आईपी लॉगर ही आएगा, लेकिन तुम इसको दूसरा नेम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करो, तो ये कुछ यहाँ पे अलग अलग डोमेन नेम आ रहा है। तो इसमें से जो भी तुमको बेहतर लगे, समझ लो जो भी तुमको नॉर्मल लगे, उसको तुम सिलेक्ट कर लो। तो जैसे मैंने, समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी ले लो, अभी तुम लोग, मैं जस्ट सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे 2 नंबर ले लिया, तो ये डाउट नहीं होगा कि ये आईपी लॉगर वाला कोई साइट है, ठीक है, हो गया बात। अच्छा, तो ये जो अभी ये जो लिंक बनेगा, इसी लिंक को तुमको कहाँ तक सेंड करना है, विक्टिम तक सेंड करना है, क्लियर। तो कैसे सेंड करोगे वो तुमको तो सोचना पड़ेगा। मैंने बोला कि तुम भैया एसएमएस सेंड करो, या तो भैया ईमेल सेंड कर दो, किसी भी तरीके से सेंड कर दो तुम उसको। जैसे मैं यही जो है अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं खुद का सिस्टम है, मैं तो किसी दूसरे सिस्टम में अप्लाई नहीं करूँगा, मैं खुद का सिस्टम में ही, मैं क्या समझ लो कि ये मैं ही विक्टिम हूँ। अभी मैंने ये जो कॉपी कर लिया, एज्यूम कर लो मैं खुद ही विक्टिम हूँ, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी कर लिया, और मैं
मुझे ये लिंक मिला, मुझे ये भैया SMS या तो भैया ईमेल के थ्रू मुझे ये लिंक मिला और मैंने उस लिंक में क्लिक कर दिया, एज्यूम कर लो, तो होता क्या देखते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए अलग सा एक टैब खोल के यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर लिया। लेकिन ये काम कौन करेगा, विक्टिम करेगा। तुमको ये लिंक किसको सेंड करना है, विक्टिम को सेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जब मैं इस लिंक को एंटर प्रेस करूँगा लेकिन वही रियल वेबसाइट ही ओपन होगा यहाँ पे। कौन सा, वो जो फ्लिपकार्ट का ऑफर वाला साइट है, दिस वन, ठीक है। देखो यहाँ पे साइट ओपन हो, मतलब विक्टिम ने साइट को ओपन कर दिया। अभी हम लोग आते हैं IP लॉगर में, ये मैं IP लॉगर में आ चुका हूँ और यहाँ पे लॉग्ड IPs में चेक करो। और यहाँ पे लॉग्ड IPs में आते ही मुझे देखो एक IP मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला छोड़ दो, नीचे वाला देखो, ये देखो 47 29 142 175। और ये तुम्हारा है क्या, और तुमने ये ला, अच्छा, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो तुमने ये कॉपी किया था लिंक, हाँ, अच्छा वही वही लिंक तुमने टाइप किया था, हाँ। तो चलो ठीक है, तो ये लिंक तुमने टाइप कर दिया तो तुम्हारा यहाँ पे देखो IP शो हो रहा है, और ये तो फिर ये ऊपर वाला मेरा होगा, ठीक है, जो भी हो। तो हाँ, ये एंड्रॉयड दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे और एक बात है, तो ये पता चल गया ना, तो हम लोग का तो जो एम था वो तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है कि कैसे विक्टिम का मुझे IP लेना है। तो यहाँ पे देखो ये तो एक मुझे जो मेरा खुद का सिस्टम का IP है, और जो अभी तुमने जो लिंक में खोला है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में, वो ये वाला IP, मतलब तुम्हारा एंड अभी कौन सा OS में तुम्हारा चल रहा है, तुम कौन सा OS यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो कि विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, वही पता चल रहा है। यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा हुआ है और यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और तुमने भी कौन सा ब्राउज़र में उसको ओपन किया, क्रोम ब्राउज़र में उसको ओपन किया होगा, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को सक्सेसफुल्ली विक्टिम का IP पता चल गया। और यहाँ पे सिर्फ विक्टिम का IP पता नहीं चलता है, वो कौन सा प्रोवाइडर का तुम्हारा कनेक्शन यूज़ कर रहा है, जैसे भारतीय एयरटेल, तुम कौन सा यूज़ करो, रिलायंस जियो, तो इस तरह से कौन सा कंपनी का तुम कनेक्शन यूज़ कर रहे हो वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से डिटेल्स तुमको यहाँ पे मिल रहा है, क्लियर। तो अभी मैं एक बार यही ये कन्फर्म कर लूँ, ये जो यहाँ पे IP शो हो रहा है, ये मेरा वाला है विंडोज सिस्टम का, तो ये सही सही मेरा IP है कि दूसरा किसी का IP है, ये तो तुम ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये तुम्हारा IP है मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, तुमने जो खोला है। लेकिन ये भी मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। तो इसका अगर मुझे जानना है कि ये मेरा IP है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे गूगल में जाके मैं टाइप करूँगा व्हाट इज़ माई आई पी जो साइट है, इस साइट में जाके मैं ये पहला जो लिंक मुझे मिलता है यहाँ पे, इसी लिंक में जाके मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ माई आई पी, यहाँ पे पहला वाला जो लिंक है उसी में जाके तुम क्लिक करो, और इसमें तुम्हारा अपना साइट का देखो यहाँ पे IP शो हो रहा है, ये देखो योर माई पब्लिक IP V4 इज 223.238.107.131 जो भी हो, और यही IP देखो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 107.131, यही है ना, वही सेम IP है। तो मेरा जो IP है वो शो हो रहा है यहाँ पे, नहीं, ये तो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का डायरेक्ट IP है ना, डायरेक्ट तो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का मुझे IP मिल चुका है अभी। क्या IP है वो, कौन सा IP? नहीं, वो बोल रहा हूँ मैं, यही तुम्हारा IP है, तुम्हारा अभी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में कनेक्शन है ना, तो यही तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का, तुम जो निकाल रहे हो वो प्राइवेट IP है, लेकिन ये तुम्हारा उसमें रजिस्टर्ड IP है अभी फ़िलहाल। तो जो भी हो वो केस अलग है, जैसे तुमने बोला कि अगर कोई अपना एक सेकंड में इसको पॉज। तो चलो एक बार जब हम लोग को IP एड्रेस मिल जाता है तो बाकी हम लोग इसके नहीं, क्योंकि IP एड्रेस मिलना ही सफिशियंट, मैंने जैसे लास्ट टाइम तुमने डिस्कस किया था, IP एड्रेस मिलना ही सफिशियंट नहीं है, उसको लेकर के हम लोग इसके ऊपर फर्दर स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अभी इस पर्टिकुलर एड्रेस में जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें अभी क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, उसमें कौन सा एग्जैक्टली OS, अभी तो OS तो पता चल चुका है, चलो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग फर्दर इसको स्कैनिंग करके कौन सा OS का वर्जन क्या है, ठीक है, लिनक्स है कि विंडोज़ है कि एंड्रॉयड जो भी है उसका वर्जन क्या है, क्योंकि जब हम लोग किसी सिस्टम को टारगेट करते हैं तो उसका पूरा का पूरा मुझे उसका हिस्ट्री निकालना पड़ता है, ठीक है,
उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या लूप हो रहे हैं, उसको पता करके ही हम लोग कुछ वहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो अभी जैसे समझ लो कि मुझे अभी पता चल चुका है कि आईपी एड्रेस, तो मैं जैसे तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था, वंस यू गेट द आईपी एड्रेस यू कैन फाइंड आउट द अदर डिटेल्स। जैसे कि अगर मुझे उसका ओपन पोर्ट्स के बारे में पता करना हो तो मैं क्या, उसके लिए हम लोग क्या टूल यूज़ करेंगे, तुम कोई भी टूल, बहुत सारा फ्री टूल है, ठीक है, जैसे मैं फ्री पोर्ट स्कैनर यूज़ कर लेता हूँ, और ये जो आईपी है, जैसे मैंने इसी आईपी को मदद से, जैसे मैं खुद का ही कि मैं किसी थर्ड पार्टी सिस्टम का नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद का सिस्टम का ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम लोग भी अपना सिस्टम ही इसी सब इम्प्लीमेंट करना, अपना लैब में करना। 223 और क्या था ये 238, तो इसी को ही मैं अपना सिस्टम में मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। चलो जैसे मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम, समझ लो कि ये विक्टिम का आईपी है, तो इस पर्टिकुलर आईपी में टेलनेट पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, मुझे जानना है, तो मैं 21 टाइप करके मैं इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्दर स्कैनिंग कर सकते हैं, एक बार आईपी पता चल जाएगा तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना यूआरएल का किसी का आईपी एड्रेस हम लोग पता कर पा रहे हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेस पता चलने के बाद बाकी डिटेल्स तुम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, वो तो मैं तुम लोग को सिखाया था, और आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे ये एनमैप यूज़ करके, जो एक स्कैनिंग टूल है जो हम लोग कल लिनक्स सिस्टम में यूज़ करेंगे फर्दर, मतलब डिटेल्स में कैसे स्कैन करना है उसको। तो देखो अभी यहाँ पे पोर्ट क्या दिखा रहा है, 21 पोर्ट क्लोज दिखा रहा है, ठीक है, मतलब जो भी हो, तो जब भी कोई ओपन पोर्ट मिले तो उस ओपन पोर्ट के थ्रू हम लोग कुछ अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो बात क्लियर हो गया, तो ये एक टॉपिक था जहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा